सबसे पहले मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा और मैं बताना चाहूँगा जिस तरीके से आपने प्रश्न पूछा है, मैं पैंथर्स पार्टी में काफ़ी समय रहा और वहाँ पर मैंने वफादारी के साथ ईमानदारी के साथ काम किया और कुछ हालात ऐसे पैदा हुए तो वहाँ से मुझे मजबूरन जो है पैंथर्स पार्टी का दामन छोड़ना पड़ा, क्योंकि काफ़ी मुद्दे जो है काफ़ी लोगों का चुनना हमारे साथ जारी रहा, तो उस वजह से हमने पैंथर्स पार्टी का दामन छोड़ने के बाद आम आदमी पार्टी का दामन इसलिए थामा था कि जो लोगों के मुद्दे हमने उठाए और उनको हल करने में हमें परेशानियां आ रही थी, तो हमने एक उम्मीद थे आम आदमी पार्टी का दामन थामा था, मगर यहां पर भी हमें ऐसा लगा कि आम आदमी पार्टी भी हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के जो बुनियादी हकूक हैं, लोगों के जो हक हैं, जो लोगों को मिलना चाहिए था उसको पूरा करने में आम आदमी पार्टी भी नाकाम रही। इसलिए हमने आज ये फैसला लिया कि हम आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर लोगों के लिए, जिस तरीके से हमेशा आप जानते हैं कि मैं एक साधारण से परिवार से बिलोंग करता हूं, मैं एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं लोगों की आवाज़ के साथ जुड़ा हुआ हूं और मैंने ये महसूस किया कि आम आदमी पार्टी में रहकर मैं लोगों के मसाइल को सही तरीके से प्रॉपर हल नहीं करने में प्रॉपर हल करने में नाकाम रहा। इसलिए मैंने ये फैसला लिया कि तमाम सपोर्टर्स के साथ आज हम आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं। भाई जो भी अगला कदम होगा मैं आप सभी को इनवाइट करके कुछ ही दिनों के बाद सभी सारी जानकारी दे दूंगा। मैं अपने तमाम साथियों से पूछने के बाद जो फैसला साथियों का होगा वो आप सभी के साथ शेयर किया जाएगा, बाकायदा तौर पर आपको इनवाइट करके आपको बता दिया जाएगा बहुत जल्द कि हमारा अगला कदम क्या होगा। देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर अगर जो भी आजकल के दौर में फैसले लिए जा रहे हैं वो जनता के हित में कोई भी फैसला नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि जम्मू में अब जो जनरल स्टोर्स हैं, किराना शॉप है, वहाँ पर बियर का एक आर्डर हुआ है वहाँ पर बियर रखने का, और जो भी फैसले यहाँ जम्मू कश्मीर में लिए जाते हैं वो जनता के हित में नहीं है। तो हम आपके जानकारी में ये बताना चाहेंगे कि जो भी हमारा आने वाला जो कदम होगा वो बड़ा सोच समझ के होगा और पूरे अपने साथियों से राय लेने के बाद ही अगला कदम उठाया जाएगा और आप सभी भाइयों को बाकायदा तौर पर इन्वाइट करके आपको बताया जाएगा। क्या कुछ किया बीजेपी ने जम्मू